Hey guys, welcome back to my channel, The Art Bird. I am Jia here. So today's video is all about how to draw dotted mandala on CD without any using dotting tool. Guys, मैंने एक और वीडियो dotting mandala की डाली हुई थी जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद करी. और guys, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लीज़ जल्दी जाके इसको देखिए. मैं इसको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी. सो या मैं यहाँ पे dotting tool का यूज़ नहीं करूँगी, उसकी प्लेस पे मैं यहाँ ब्रश, पेंसिल, टूथपिक, ईयरबड का यूज़ करूँगी, जिसकी हेल्प से मैं पूरा डॉटेड मंडाला बनाऊँगी गाइज. और गाइज़ प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं यहाँ पे आपको ट्रिक्स और टिप्स दूँगी जो कि आपको मंडाला बनाने में बहुत हेल्प करेगा और ब्यूटीफुल आपको मंडाला रेडी होगा. और यहाँ पे मैं सीडी का यूज़ कर रही हूँ जो कि ओल्ड सीडी है मेरी, और मैं यहाँ फ्लैश एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ गाइज़. मैंने इसको भी रिसेंटली परचेस करा हुआ है. अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो बनाऊं, तो मैं ज़रूर इसका वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगी. उसके लिए गाइज़ आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि आपको ये वीडियो चाहिए, रिव्यू वीडियो या नहीं. सो गाइज़ मैं यहाँ पर जल्दी से कलर निकाल लूँगी. सो मैंने यहाँ पर ऑरेंज, रेड, वाइट और ग्रीन कलर निकाले. मैं इसी की हेल्प से पूरा डॉटेड मंडाला रेडी करूँगी गाइज़. मैं यहाँ 4 कलर का यूज़ कर रही हूँ सिर्फ, और मैं यहाँ ब्लैक सिर्फ बेस के लिए यूज़ कर रही हूँ, जो कि सीडी का बेस मैं इससे पेंट करूँगी. और मैं ब्लैक कलर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ब्लैक कलर से बहुत प्यारे कलर इन्हेंस होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगता है डॉटेड मंडाला. सबसे पहले मैं एक स्पॉन्ज की हेल्प से ब्लैक कलर को टैप टैप करके पूरी सीडी पर पेंट करूँगी, और देन उसके बाद मैं 1 आवर के लिए उसको ड्राई करने के लिए रख दूँगी. नाउ ये 1 घंटा हो चुका है, ये ड्राई हो चुकी है कम्प्लीटली. अब आगे की प्रोसेस के लिए हमारी सीडी रेडी है. सबसे पहले मैं यहाँ पे डॉटिंग टूल जो कि जिनकी हेल्प से वो डॉटेड मंडाला बनाऊँगी, और मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लाइन क्रिएट करूँगी स्केल की हेल्प से. इससे क्या होगा कि अपना जो डॉट है ना वो प्रॉपर प्लेस पे रहेगा और बहुत इक्वल डॉट अपने बनेंगे. सो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे टूथपिक लूँगी, और टूथपिक के बैक साइड से ही सबसे पहले मैं डॉट स्टार्ट करूँगी. सो गाइज मैं यहाँ पे रेड कलर का यूज़ कर रही हूँ, और मैं सबसे पहले टूथपिक को कलर में डिप करूँगी, देन मैं सीडी पर टैप करूँगी. इससे कि क्या होगा कि अगर एक बार अपन कलर के अंदर टूथपिक को डिप करेंगे और फिर एक बार सीडी पर टैप करेंगे तो अपना जो डॉट रहेगा वो इक्वल ही साइज़ का रहेंगे. अगर एक बार डिप करके टैप टैप करेंगे तो साइज़ डिक्रीज होता है. अगर आपको ये बात समझ में ऐसे नहीं आएगी गाइज़, आपको पूरी एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा कि कैसे इसमें डॉट क्रिएट होते हैं अलग अलग टाइप से. सो गाइज़ मैंने एक और जो वीडियो आपको बताया था जो कि आप लोगों ने बहुत पसंद करी थी, वो वीडियो में मैंने बहुत अच्छा डिटेलिंग, उसमें भी बहुत अच्छी डिटेलिंग बताई है. तो गाइज़ आप वो भी चेकआउट ज़रूर कीजिएगा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पर दे दूँगी, तो प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिएगा वो वीडियो. और गाइज मैं जो भी मटेरियल यहाँ पे यूज़ करूँगी उन सबको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, सो आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर सकते हैं मटेरियल्स के लिए. और गाइज मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप चाहें तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इंस्टाग्राम पेज को चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं इसका यूट्यूब का अपडेट्स देती रहती हूँ, वीडियोज़ डालती रहती हूँ. सो यहाँ पे अब मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ, इसको आप ध्यान दीजिए. मैं टूथपिक पर कलर ले रही हूँ और एक बार टैप 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 कर रही हूँ, तो देखो ये साइज डिक्रीज हो रहा है डॉट का. अगर आप एक बार कलर में डिप करेंगे और फिर टैप 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 करेंगे तो उसका साइज़ भी ऐसे डिक्रीज होगा. और अगर आप एक बार कलर में टैप करेंगे और फिर सीडी पर टैप करेंगे तो फिर एक ही साइज़ के डॉट क्रिएट होंगे. इस बात को आप ध्यान में रख के डिज़ाइन क्रिएट कीजिएगा.
यहाँ पे गाइज आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे डॉट रखने के बाद ये टूथपिक के आगे वाले साइड से लाइटली इसको कीजिएगा, नहीं तो अगर आप उसके बैक साइड से करेंगे तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी। आगे टिप होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है, शार्प होती है, तो उससे ये क्रिएट होती है डिज़ाइन। सो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आपका ख़राब हो जाएगा। गाइज मैंने यहाँ पे सीडी पर कंस्ट्रक्शन लाइन के सर्कल्स क्रिएट करे हुए हैं, उसके लिए मैंने एक शीट पर सीडी को रखा और उसका सेंटर फाइंड आउट करके एक कंपास की हेल्प से मैंने सर्कल क्रिएट करा। ऐसा करके सर्कल मेरा बन गया, और ऐसे ही आप कीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि जब आप डॉट रखेंगे तो प्रॉपर प्लेस पे आपका सर्कल बनेगा और डॉट प्रॉपर प्लेस पर रखाएगा, जिससे बहुत परफेक्टली आपका डॉटेड मंडाला रेडी हो जाएगा। सो यही प्रोसेस जल्दी जल्दी मैं करती हूँ, देन फिर मैं आगे आपको बताऊँगी। अब मैं थोड़े बड़े डॉट क्रिएट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बार कलर में डिप करके टैप टैप करके ये डॉट क्रिएट कर रही हूँ। देखिए गाइस, ये जो साइज़ हैं डॉट के ये डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो आपको भी कलर में सिर्फ एक बार डिप करना है, फिर टैप टैप करके आपको सीडी पे पूरा डॉट क्रिएट करना है, इससे ये वाला डॉट क्रिएट होगा। गाइज अब मैं जैसा बना रही हूँ वैसे आप देखते जाइए, पूरी स्टेप फॉलो करिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरी जो न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप उसे सबसे पहले देखें। और गाइज मैं इतने ही अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लाती रहूँगी, तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को चेकआउट नहीं किया है, जहाँ पर मैंने बहुत डिफरेंट आर्ट, मंडाला आर्ट, बॉटल पेंटिंग, मैं बहुत प्यारे प्यारे आर्ट लेकर आती हूँ, तो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ जल्दी जाके देखिए। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कितनी हेल्पफुल रही। यहाँ पर मैं ये डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ, जो कि मैं टूथपिक की हेल्प से कलर ले रही हूँ और नॉर्मली एक डिज़ाइन बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे कोई डॉट नहीं रखा है, बस मैंने टूथपिक की आगे जो निब होती है, शार्प होती है, उसकी हेल्प से मैं कलर ले रही हूँ और ऐसी डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ।
यहाँ पर मेरा डॉटेड मंडाला अब रेडी होने वाला है। तो ये रहा उसका फाइनल लुक। और गाइज मुझे प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा। और गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द